जय हिंद स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है एनडीए सीडीएस की लाइव क्लास में फिजिक्स की। जस्ट गिव मी मिनट टू कंफर्म विद द ऑडियो। चलिए जय हिंद धनेंद्र, जय हिंद मानसी। मेरी आवाज आई होप आपको क्लियरली सुनाई दे रही है। जैन सर, जय यस हिंद। सर, ऑल क्लियर। ओके, थैंक यू धनेंद्र। चलिए चलिए, तो मोशन, लॉज ऑफ मोशन, काइनेमैटिक्स शुरू किया था हमने फिजिक्स में। मोशन लॉज ऑफ मोशन हो गया था। आई होप बाकी के क्वेश्चन भी कल के आपने एक बार देखे हों। आज क्या क्या क्लासेस थी एक बार पहले वो देख लेते हैं। सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास थी रूबी मैम की। 9 बजे डेली डिफेंस अपडेट्स, दिव्यांशु सर उनकी क्लास रही। 9 बजे इवन ओवरव्यू ऑफ जीडी और लेक्चर एड, हमारा एसएसबी इंटरव्यू की लाइव क्लासेस में था, ये अनुराधा मैम ने लिया। एनडीए और सीडीएस की क्लास आज कैसी रही। 10 बजे एनडीए की मैथ्स की क्लास थी, आज डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये मैंने ली थी। और 4 बजे अभी फिजिक्स की क्लास है जो अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, चले वर्क एनर्जी एंड पावर पे आ जाते हैं। तो समझते हैं पहले कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम वर्क एनर्जी पावर। सबसे पहले वर्क का कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्या रहता है वर्क एनर्जी। फिर उसमें मेन दो टाइप्स, काइनेटिक और पोटेंशियल को समझेंगे। एनर्जी का कंजर्वेशन, जैसे कल हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा था, वैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक फंडामेंटल लॉ है फिजिक्स का, ये भी देखेंगे हम। एंड फाइनली वी विल रैप अप विद पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम, और लास्ट में फिर कोलिजन्स हम देखेंगे किस तरीके से कोलिजन्स होते हैं, उसमें मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है नहीं होता, ये सब सारी बातें करने वाले हम। चलिए सबसे पहले वर्क समझते हैं। सिंपल, आपका डॉट प्रोडक्ट है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। तो अगर मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करें तो उनके बीच का कॉस का एंगल, ठीक है, दैट विल गिव मी द वर्क। ये स्केलर है, ठीक है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था कि वो एक स्केलर नंबर देता है, स्केलर बोल दीजिए या नंबर बोल दीजिए। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स दैट इज न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, तो इंटू मीटर। और जैसे फोर्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन भी बोलते हैं, वैसे ही एनर्जी को जूल्स भी बोला जा सकता है। ठीक है, चलिए, कब कब जीरो हो सकता है वर्क डन। अगर आपका फोर्स जीरो या डिस्प्लेसमेंट जीरो, कि फोर्स लगाने पर भी डिस्प्लेस हुआ ही नहीं बॉडी, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डायरेक्शन जो है वो 90 डिग्री, ठीक है, फोर्स जीरो हो, आइदर एफ इज जीरो, फोर्स लगा ही नहीं, तब तो हम कोई बात ही नहीं करेंगे वहां पे वर्क का। तो जनरली ये केस नहीं होता है कि फोर्स जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, उस केस में फोर्स इज जीरो बिकॉज प्रोडक्ट है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा जो है दैट इज 90 डिग्री। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री, दैट इज जीरो, इसकी वजह से वर्क डन जीरो। ठीक है, तो ये केसेस बनते हैं कब कब आपका वर्क डन जीरो रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर इस तरीके से, अगर आपका जैसे अगर आपके फोर्स फिक्स्ड है, उसकी वैल्यू फिक्स है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट उसकी वैल्यू को यूज करो, डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ बॉडी का उससे मल्टीप्लाई करो, आपको वर्क मिल गया। लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स है, कि फोर्स चेंज हो रहा है, तो हम ऐसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, और इसका जो एरिया होगा दैट विल गिव मी द वर्क डन, दैट विल गिव मी द वर्क डन। और अगर नंबर ऑफ फोर्सेस है, जैसे यहां तो क्या है, जैसे मान लीजिए एक ही फोर्स है
और वो अलग अलग उसका मैग्नीट्यूड बदलता जा रहा है। तो इस तरीके से आप एरिया के फॉर्म में यूज करके वर्क निकालेंगे। अगर बहुत सारे फोर्सेस हैं तो क्या करेंगे, तो आप सब उन सब का वेक्टर सम लेके उनका रिजल्टेंट आ जाएगा, इस रिजल्टेंट की वैल्यू यूज कर लेंगे आप जब आप वर्क निकालें, ठीक है। और अगर रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, इक्विलिब्रियम में है, या स्टैटिक बोल दीजिए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब एक स्टेबल पोजीशन पर है, ठीक है, तो उस केस में फिर वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स ही जीरो। आई होप वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको यहां तक। इफ दिस इज क्लियर, टाइप इन वाई। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कल एक बार आपसे बात करी थी रिगार्डिंग फोर्स। दो टर्म्स मैंने यूज किए थे, एक था कंजर्वेटिव, एक था सेंट्रल। तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है कि जब आप वर्क डन निकाल रहे हैं, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड कर रहा है आपका जो वर्क थ्रू द फोर्स। और राउंड ट्रिप की दौरान आपका जो वर्क डन हो रहा है वो जीरो हो रहा है। ये तो सिंपल सा है कि वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कई केस में ऐसा नहीं होता। तो जब भी ऐसा होगा तो वो जो फोर्स है वो कहलाएगा कंजर्वेटिव, ठीक है। और सेंट्रल के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि सेंट्रल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जहां जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं दो बॉडी के बीच, उनके सेंटर्स को अगर मैं ज्वाइन करूं थ्रू अ लाइन, उस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट कर, वो कहलाता है आपका सेंट्रल फोर्स। अगर इनकी डेफिनेशन जो अभी मैंने आपको समझाई, अगर ये कुछ पार्ट आपको समझ में आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं कुछ डाउट रह रहा है, तो मेरा ये मानना है आप मतलब मेरा ये सजेशन है आपके लिए, दैट इज बेटर, मेरा सजेशन ये है आपके लिए कि आप याद कर लीजिए सेंट्रल और कंजर्वेटिव आपके वो सारे फोर्सेस हैं जो जिनमें डिवाइड बाय आर स्क्वायर का एक फॉर्मूला आता है, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें मैग्नेटिक भी आ गया, और जो भी फ्रिक्शनल फोर्सेस है, फ्रिक्शनल विस्कस फोर्सेस, जो भी रेजिस्टिव फोर्सेस है, ये सेंट्रल भी नहीं होते और ये कंजर्वेटिव भी नहीं होते। ध्यान रखने के लिए आप ऐसा कर लीजिए, जो फोर्सेस सेंट्रल है वो जनरली कंजर्वेटिव भी होंगी, और जो नहीं है सेंट्रल वो कंजर्वेटिव भी नहीं होंगी। ऐसा आप याद कर लीजिए, पेयर में याद रखिए, सेंट्रल कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक हो गया, नॉन सेंट्रल नॉन कंजर्वेटिव रेजिस्टिव फोर्सेस, फ्रिक्शन विस्कस, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है, फॉर कंजर्वेटिव एंड सेंट्रल। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हल्का सा अगर डेफिनेशन या कहीं कोई पार्ट समझ ना आया तो इसको ऐसे याद कर लीजिए आप, ठीक है। ओके, अगर ग्रेविटी के थ्रू वर्क डन की बात करें तो दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, ठीक है। यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बनता है, जो आगे आने वाली स्लाइड में हम देखेंगे। और अगर स्प्रिंग के कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग के थ्रू जो वर्क डन रहता है वो भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, -1/2 kx² इसका फॉर्मूला है, जहां एक्स जो है वो उसका डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजिशन से, जब स्टेबल आपका स्प्रिंग था कितना खिंचाव हुआ, दैट डिस्प्लेसमेंट वो कहलाएगा आपका एक्स, K इज अ कॉन्स्टेंट, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, तो -1/2 kx² टाइप में ये फॉर्मूला चलता है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग टाइप है वर्क डन के। आगे देखते हैं एनर्जी, वर्क करने की कैपेसिटी। जनरली फिजिक्स में कहीं पर भी एनर्जी कितनी लग रही है वो निकालने के लिए हम वहां वर्क डन निकालते हैं, और दोनों इक्वलेंट होता है, ठीक है। ये भी स्केलर क्वांटिटी है, जैसे वर्क था इसका ऐसा यूनिट भी जूल ही है, ठीक है, इक्विवेलेंट वर्क डन एंड एनर्जी। अच्छा, अलग अलग टाइप है एनर्जी इसके, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल, लाइट, हीट, साउंड, न्यूक्लियर और इलेक्ट्रिकल। इनको थोड़ा थोड़ा मेन जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है काइनेटिक और पोटेंशियल, इन्हें पहले हम देखेंगे और बाकियों को भी समझेंगे कैसे जनरेट होती है वगैरह, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। मूव करने की वजह से
कोई भी चीज मूव करने की वजह से जो उसमें एनर्जी गेन हो रही है, जो उसमें एनर्जी आ रही है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब उसको आप गेन भी बोल सकते हैं, और इट कैन बी ऑल्सो सेड कि बस मोशन की वजह से जो एनर्जी उससे एसोसिएटेड है उस बॉडी में, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला आपका उसका ध्यान रखना है, हाफ इंटू मास इंटू स्पीड स्क्वायर। स्पीड का स्क्वायर हो रहा है देखिए, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज मास कैन नॉट बी नेगेटिव और वेलोसिटी का स्क्वायर हो दैट ऑल्सो कांट बी नेगेटिव, ठीक है, मैग्नीट्यूड कांट बी नेगेटिव। अच्छा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। पी आपका है मोमेंटम, इसको कनेक्ट किया जा सकता है, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर लिखा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, या एम वी इज इक्वल टू 2k बाय v। तो एम वी क्या है आपका, मोमेंटम p इज इक्वल टू 2k बाय v। मास इनटू वेलोसिटी, अच्छा हाफ, ओके 2k बाय v, दैट इज इक्वल टू मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, और कोई तरीका है जिससे कनेक्ट किया जा सकता है, बिकॉज वी नीड टू कंस्ट्रक्ट इट इन फॉर्म ऑफ मास नॉट वेलोसिटी। टू के बाय एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, मास इनटू वेलोसिटी पी इनटू वी आपने लिख दिया था, अच्छा ठीक है। तो इसको अगर कनेक्ट करें मोमेंटम के साथ तो दिस वुड बी पी स्क्वायर बाय 2m। इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ मास इनटू वेलोसिटी पी हो जाएगा, और अगला जो वी है उसको फिर एक्सप्रेस करना पड़ेगा आपको पी बाय एम के फॉर्म। ओके, 2k इज इक्वल टू p इंटू, इस v को क्या लिख सकता हूं मैं, p बाय m, तो 2k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय m, और k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय। तो मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी कैसे रिलेटेड है, मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास, दैट गिव्स यू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये भी फॉर्मूला ध्यान रखना। ओके चलिए, तो ये था काइनेटिक एनर्जी, मोशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस होती है एक बॉडी में, वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसी पोजीशन पर रहने की वजह से जो एनर्जी एक बॉडी में हो रहेगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। रोलर कोस्टर एट सम हाइट पॉइंट, तो इसमें हाइट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, एप्पल्स ऑन अ ट्री और स्लिंगशॉट बींग पुल्ड। और पोटेंशियल एनर्जी ध्यान रखिए सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइंड है, फ्रिक्शन फोर्सेस, जैसे फ्रिक्शन है उसके लिए वो फोर्स है उसके लिए, लेकिन कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड, ठीक है। चलिए, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये हमने अभी देखा ही था, तो ये उस वर्क डन के ही बराबर है जो ग्रेविटी, जो ग्रेविटी को यूज, ग्रेविटी आपको खींचने की कोशिश कर रही है, उसके अगेंस्ट में आप एक जगह पर प्रेजेंट हो, कोई एक बॉडी कहीं पर प्रेजेंट है, तो बेस लाइन से कितनी हाइट ऊपर है उसका वेट मल्टीप्लाइड बाय दैट हाइट, दैट गिव्स यू द वर्क डन, और यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। सिमिलरली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यह अभी हमने बात करी थी, इसका मैग्नीट्यूड हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, सिंस एक्स स्क्वायर है तो इस तरीके से पैराबोलिक कर्व आएगा इसका, ठीक है। ओके, तो ये था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा और जो एक टॉपिक हमको ध्यान रखना है, दैट इज इक्विलिब्रियम। अगर एक ऑब्जेक्ट पे जो जितने फोर्सेस लग रहे हैं वो कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेटिव मतलब ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो सारे फोर्सेस, और अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स टोटल अगर सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट ले तो वो जीरो आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कहते हैं। और इस इक्विलिब्रियम के 3 टाइप्स है, एक टाइप है आपका स्टेबल, यानी कि ऑब्जेक्ट को मूव
हल्का सा फोर्स लगाया उसको तो वो वापस हल्का सा मूव हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ और वो वापस अपने पोजीशन पे आ गया। इट हैज अ टेंडेंसी टू कम बैक। ठीक है, एक डायग्राम से अभी मैं दिखाऊंगा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अनस्टेबल मतलब हल्का सा पुश किया, वापस अपने स्टेबल पोजीशन पे नहीं है जिसमें ओरिजिनली था। ठीक है, इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ज्यादा ही दिखेगा आपको जो आपने फोर्स जिस डायरेक्ट फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में भी आप देखेंगे कि डिस्प्लेस हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट बड़ा एविडेंट। ठीक है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। आप न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि आपने बिल्कुल हल्का सा फोर्स लगाया, ना ही आपको दिखा कि वहां कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल स्टेबल पोजीशन पर भी नहीं है, वो अपने एक नए पोजीशन पे चला गया और वहां स्टेबल होकर वहां इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो न्यूट्रल में बस आपको ये ध्यान रखना है कि नया एक पोजीशन क्रिएट हो जाएगा, नया एक स्टेबल पोजीशन क्रिएट। ठीक है, जैसे ये स्टेबल वाला देखिए, यहां अगर मैं पुश करूं एक कोन को तो हल्का सा बैलेंस ऐसे ऐसे होगा और वापस अपने मेन उस पे आ जाएगा, स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन अगर उल्टा करके करूं, धक्का मारूं यहां से कहीं से, मान लीजिए धक्का मारा, तो अब तो ये नहीं रहने वाला, अब तो ये सीधा गिर जाएगा। तो ये इसका अनस्टेबल पोजीशन रहा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन। ठीक है, कि हल्का सा डिस्प्लेस करते, वैसे टिप पे वो बैलेंस था, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट करते वो गिर गया, अपने स्टेबल पोजीशन को छोड़ दिया। अगर इस तरीके से पड़ा हुआ है, हल्का सा आपने डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट किया, तो अपने नए पोजीशन पे वो चला गया और वहां वो स्टेबल होकर है वहीं। तो दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रल, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बहुत ज्यादा एविडेंट नहीं है और प्लस अपने ओरिजिनल स्टेबल पोजीशन पे नहीं हुए, अपना पोजीशन हिला चुका है। आई होप इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो क्लियर। इस पर बहुत डेप्थ में इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। स्टेबल अनस्टेबल अगर आपको क्लियर है और आपको समझ में आ गया कि अच्छा इक्विलिब्रियम मतलब एक स्टेबल पोजीशन रहता है, विजुअलाइज करने के लिए आप जनरली उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि वो रेस्ट पे रहेगा आपका बॉडी और हर एक पॉइंट पे आप बस उसे डिस्प्लेस करके देखते हैं कि क्या हो रहा है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप इक्विलिब्रियम इज क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, इट्स क्लियर। ठीक है, चलो चलिए। तो वर्क जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो। पर्टिकुलरली आपने तो पढ़ा ही है कि फोर्स जब अप्लाई होता है कहीं, फोर्स लग रहा है तभी वर्क डन है, यस और नो? फोर्स तो है वहां पे, तो अगर फोर्स है तो इसका मतलब स्पीड या वेलोसिटी चेंज होगी, जो हमने कल देखा था। ठीक है, फोर्स की वजह से ही स्पीड या वेलोसिटी चेंज होगी। तो अगर स्पीड या वेलोसिटी चेंज हुई तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया और ये जो चेंज है यही वर्क डन के बराबर है। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरी। ठीक है, चलिए दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देख लेते हैं। हीट एनर्जी, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और न्यूक्लियर। हीट मतलब जो मॉलिक्यूल्स के पर्टिकुलरली सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनके रैंडम मोशन की वजह से जो वहां पर प्रेजेंट है, दैट एनर्जी इज हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स के अंदर जो है, दैट इज केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से। न्यूक्लियर, जो एटम के न्यूक्लियस से जनरेट होता है, तो उसमें न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन ये सब रहता है। ओके, इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैंने बताया ये आपका मोमेंटम के अलावा ये भी एक फंडामेंटल लॉ रहता है फिजिक्स में, कि एनर्जी जो है वो आप बना नहीं सकते ना ही उसे खत्म कर सकते हो, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। यानी कि पूरा जो एनर्जी है अवेलेबल इस यूनिवर्स में वो फिक्स्ड है, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो
इस पर्टिकुलर जो फिगर है या जो डायग्राम दिया हुआ है, तो बॉल यहाँ ऊपर थी, तो यहाँ इस केस में पोटेंशियल एनर्जी एक कुछ होगा, ठीक है, ये मैक्सिमम लेवल पे होगा बिकॉज हाइट एच पे है, अपनी सबसे ऊपर मैक्सिमम हाइट पे है, यहाँ से नीचे गिराने की कोशिश की जाएगी इस बॉल को, और काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है क्योंकि रेस्ट पे है, हाफ एम वी स्क्वायर वी जीरो, हाफ एम वी स्क्वायर इज जीरो, सो काइनेटिक एनर्जी। अब जब आपने फेंक दिया तब पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाए, लेकिन इनका जो सम है ये हमेशा कांस्टेंट रहे, ठीक है। यहां मैकेनिकल एनर्जी आपका कंजर्व, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसे मैकेनिकल एनर्जी भी कहा जाता है, तो इसका सम हमेशा, क्योंकि यहां दो ही एनर्जीज है जो प्ले कर रही हैं, एक काइनेटिक और पोटेंशियल, आपको ये पता है कि टोटल हैज टू बी सेम, क्योंकि एनर्जी को आप बना या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप दिस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिस इज ऑल्सो क्लियर। ओके, तो इसमें क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। अच्छा, इसके बाद पावर, तो वर्क डन बाय टाइम टेकन, ठीक है, तो जूल पर यूनिट, जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को ही बोला जाता है वॉट, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन सी यूनिट्स यूज होती है, किलो वॉट यानी कि 1000 वॉट्स, और एक और यूज होती है हॉर्स पावर, 746 वॉट्स को बोलते हैं हॉर्स पावर, और 1000 वॉट रहेगा आपका 1 किलो वॉट। अच्छा, पावर को इवन आप फोर्स इंटू वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, ये देखिए कैसे किया, वर्क डन बाय टाइम, वर्क को हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट बाय टाइम, सो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ, सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज वेलोसिटी, सो एफ और वी का डॉट प्रोडक्ट, एफ वी कॉस थीटा, स्मॉलर एंगल बिटवीन एफ एंड वी, सो पावर कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली इसे यूज नहीं करते हैं, हमारे पास जो ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं पावर पर, अगर वर्क के उसमें कंटेक्स्ट में देखा जाए तो डायरेक्टली वर्क डन निकालिए टाइम से डिवाइड करिए, या एनर्जी निकालिए टाइम से डिवाइड करिए, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अगेन पावर, और ये एनर्जी चाहे वो गेंड हो या ट्रांसमिटेड हो पर उन्हें टाइम भी रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं आज के क्लास के डिस्कशन की, कोलिजन। तो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम तक दो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एक दूसरे से अगर इंटरैक्ट करें, टू और मोर पार्टिकल्स, इसे कहला ये कहलाता है कोलिजन। इस तरीके से आपने देखा होगा, अगर दो गाड़ियां ऐसे टकरा गई तो एक शॉर्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वो टच में रहे, ठीक है। तो दो टाइप से होता है कोलिजन, इलास्टिक और इन इलास्टिक, ठीक है। पहले इलास्टिक समझते हैं, अगर मोमेंटम कंजर्व रहे, वो तो रहेगा ही क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हम पढ़ चुके हैं, मोमेंटम कंजर्व रहेगा ही, तो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन अगर मोमेंटम कंजर्व रहे प्लस काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहे तो कहलाएगा कि कोलिजन जो है वो इलास्टिक है, मतलब पहले जो मोमेंटम था टकराने के बाद भी मोमेंटम अब भी वही है सिस्टम का, सिस्टम मतलब उस एज अ होल, अगर दो गाड़ियों की बात कर रहे हैं तो दोनों गाड़ियों की पहले मिलाकर क्या मोमेंटम थी और बाद में फाइनली क्या मोमेंटम हुआ एज अ होल सिस्टम का। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी का, अगर पहले भी वही है बाद में भी वही है तो आप बोलेंगे कि इलास्टिक, लेकिन इन नेचर हमारे पास इन रियल लाइफ में इलास्टिक कोलिजन एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लूज होती है, क्योंकि जब आप टकराएंगे तो हल्का सा साउंड प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी थोड़ी लॉस हो जाएगा उसका, तो अल्टीमेटली जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी सिस्टम में टकराने से पहले, ठीक है। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन में क्या रहता है, फोर्सेस कंजर्वेटिव रहते हैं और टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी तो वैसे भी कंजर्व रहेगा चाहे इलास्टिक हो इनइलास्टिक, बस डिफरेंस किसका आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, बिफोर कोलिजन अगर m1 वेलोसिटी, m1 मास है और u1 स्पीड से जा रहा है और m2 u2 से जा रहा है,
इलास्टिक के केस में ये जो वेलोसिटीज का डिफरेंस है, ठीक है, ये सेम रहेगा इलास्टिक कोलिजन में। फिर यहाँ V1 से गया और V2 से गया, तो ये जो रेशियो ऑफ रिले, अगर इसका रेशियो कर दूं मैं, या आगे मैं आपको बताऊंगा, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोला जाता है इसे, या रेजिलियंस बोला जाता है, इसकी वैल्यू कितनी है वो आपको बता सकता है कि कोलिजन कैसा रहा हो। ठीक है, तो इलास्टिक में एक और बात क्या समझ में आई कि वेलोसिटीज का डिफरेंस बराबर है बिफोर एंड आफ्टर, वो इंटरचेंज हो रही है, V2 - V1, U1 - U, लेकिन अगर मैं डिफरेंस करूं और उसका मैग्नीट्यूड लू तो वो सेम रहेगा। चलिए, इन इलास्टिक में जैसे मैंने आपको बताया, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कंजर्व, ये सेम नहीं रहता बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, इन रियल यही सारी रहती है, और इस केस में जो फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे दे विल बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व। ठीक है, तो दो चीजें, कोई भी कोलिजन हो, दो चीजें हमेशा कंजर्व रहेगी, एक मोमेंटम और एक टोटल एनर्जी, और डिफरेंस बस एक ही चीज का आ जाता है, कौन सा, काइनेटिक एनर्जी। ये इलास्टिक के लिए कंजर्व रहेंगी, इन इलास्टिक के लिए नॉट कंजर्व, कंजर्व मतलब मैं लिख देता हूं रिमेन्स सेम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समराइज से पहले, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड रेजिलियंस, ये जो मैंने आपको बताया, अगर तो ये रेशियो है रिलेटिव वेलोसिटी का आफ्टर कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। ठीक है, अच्छा, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट होता है, और ये डिपेंड करता है कोलाइडिंग बॉडीज के मटेरियल पर। इलास्टिक के लिए मैंने आपको बताया वो बराबर होता है, तो रेशियो कितना होगा, 1 के इक्वल। ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या हो रहा है, देखिए, इफ आफ्टर द कोलिजन टू बॉडीज स्टिक टू ईच अदर, तो अगर परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब क्या है कि टकराने के बाद वो चिपकी रहेगी, सेपरेट नहीं हुई, दैट इज इक्वल टू जीरो, और बाकी जितनी भी कोलिजन होती है जो जनरली देखी जाती है रियल लाइफ में, उसमें एक ही वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहे। ठीक है, अच्छा, चलिए समराइज कर लेते हैं। अब हम लोग वर्क हमने पढ़ा, एनर्जी हमने समझा इन डिटेल, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इनके फॉर्मूलाज देखे, वर्क एनर्जी थ्योरम समझा कि वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के बराबर है, इसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन समझा हमने, मैकेनिकल एनर्जी टोटल सेम रहता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल इन एनी सिचुएशन, पावर हमने समझा एनर्जी पर यूनिट टाइम या वर्क डन पर यूनिट टाइम, और कोलिजन्स लास्ट में हमने पढ़ा इलास्टिक इन इलास्टिक और स्मॉल ई कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस पर। चलिए अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, बताइए पहले का आंसर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, बी जूल पर सेकंड। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको ध्यान ही है, पावर इज व्हाट, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम बोल दीजिए, या एनर्जी पर यूनिट टाइम, जूल वर्क के लिए और टाइम के लिए सेकंड, तो जूल पर सेकंड, या ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहां ऑप्शन से कौन सा मैच हो रहा है, करेक्ट, जूल पर सेकंड। चलिए सेकंड क्वेश्चन, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, लिफ्टिंग अ बॉडी ऑफ मास 5 kg वर्टिकली थ्रू 9 मीटर, लिफ्टिंग अ बॉडी, अच्छा, तो व्हेन यू आर लिफ्टिंग यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी,
दैट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपका आप इसको या तो ऐसे समझिए फोर्स इज हाउ मच आप वेट के अगेंस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहां माइनस जी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ इज गोइंग टू अट्रैक्ट इन दिस डायरेक्शन, लेकिन आप इस डायरेक्शन में उसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लिफ्टिंग। ठीक है, तो अपोजिट हो गया ये। यस दिस इज अपोजिट, फोर्स एक्चुअली नीचे की तरफ लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। तो फाइव, तो जब क्वेश्चन में नहीं दी हो जी की वैल्यू तो आप 10 ले लीजिए, क्योंकि तो ऑप्शंस में वो मैच कर जाएगा। अगर 9.8 लेंगे तो डेसिमल में आता, ऑप्शंस में कहीं डेसिमल में नहीं है। -450 और यूनिट क्या रहेगा वर्क डन का? ठीक है, ये नेगेटिव क्यों आया ये समझ में आ गया आपको? सभी को टाइप कर दीजिए वाई अगर समझ में आया तो। अच्छा आगे, ठीक चलिए आगे बढ़ा जाए। फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स, किस किस चीज का कंजर्वेशन रहेगा? एनर्जी, चार्ज, चार्ज लीनियर या नॉन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड नॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम एंड चार्ज। एनर्जी और मोमेंटम ये हम समझ चुके हैं अभी, ठीक है। चार्ज का भी रहता है, बिल्कुल हाँ, चार्ज का भी कंजर्वेशन, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर। यस करेक्ट, राज, अंजलि, धनेन्द्र, करेक्ट। ठीक है, इफ एवरीवन हैज अंडरस्टूड व्हाई ऑप्शन डी बिकेम द राइट आंसर हियर, टाइप इन वाई। ओके है, रिस्पॉन्ड करते रहिए चैट बॉक्स में, और कहीं भी कोई इश्यू है तो या तो टाइप कर दीजिए या यू कैन रेज हैंड एंड आई अलाउ यू टू अनम्यूट, और फिर आप डाउट पूछ लीजिए। ओके चलिए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी इसका आंसर। चलिए चलिए पावर बताइए इस केस में। ओके विच पार्ट राज डू यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन? ठीक है मैं बता देता हूं। देखिए ऑप्शन ए देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, नॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देन बी में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड नॉन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम हमें ये मोमेंटम चाहे लीनियर हो या एंगुलर, मोमेंटम इज मोमेंटम, और हमें पता है कि मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन डी में देखिए एनर्जी, मोमेंटम एंड चार्ज दिया हुआ, तो एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होते हैं ये हमें पता है। ए में नॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो यहां बस एक चीज आपको क्या याद रखनी है कि चार्ज भी कंजर्व होता है। ठीक है, ये भी फंडामेंटल लॉ, तीन चीजें कंजर्व रहती है आपकी, मोमेंटम एनर्जी हम डिस्कस कर चुके हैं, चार्ज भी आप याद रखिए। इससे पिछला क्वेश्चन क्या, इवन यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक राज। यही वाला पूछ रहे थे? ठीक है, ये वाला। अच्छा ये वाला क्वेश्चन क्या है अभी जो दिखाया? ठीक है, नंबर टू या नंबर थ्री आप टाइप करके दे दीजिए। अच्छा ऑल क्लियर, ठीक ओके। हाँ ये प्रश्न पे आ गए थे हम, अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड्स, पावर।
बी जूल, और यहां सेकंड है एनर्जी पर यूनिट टाइम, 1000 बाय 10, 100, और यूनिट क्या रहेगा वॉट। ऑप्शन बी इसका आंसर। अच्छा क्लियर है सबको, ओके ठीक। चलिए तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपके पास दिया हुआ है, आप चेक करिए कि क्या फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वो खींच रहा है 140 न्यूटन से और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो 140 मल्टीप्लाइड बाय 50, ये हो जाएगा आपका वर्क। इन द सेम डायरेक्शन है तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, और कॉस 0 इज 1। तो आप डायरेक्टली बस फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कर दो। ओके इसको मल्टीप्लाई किया तो यस, ऑप्शन बी 2100 जूल्स इज करेक्ट। गुड एवरीवन। चल भाई अब वर्क पे तो क्वेश्चन हमने देख लिए, पावर पे एक आध भी देख चुके हैं, ठीक है अब आगे देखते हैं। चलो इसको ट्राई करो, थोड़ा कंसेप्चुअल है। सी वर्क इज डन इन लिफ्टिंग द वेट, ए ए सी। देखिए जब लिफ्ट कर रहा है तब वहां पर फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, यस और नो? लेकिन जब वो होल्ड कर रहा है तब क्या वहां पर डिस्प्लेसमेंट है? बोथ आर देयर, लेकिन जब आप होल्ड कर रहे हैं तो फोर्स तो है जो नीचे लग रहा है वेट, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट है वहां पे? नहीं। तो इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब दोनों होंगे तब वर्क होगा वहां पे, अदरवाइज वर्क वहां पे नहीं होगा। इसका मतलब लिफ्टिंग द वेट पे वर्क इज डन, नो वर्क इज डन इन होल्डिंग इट अप। होल्डिंग पे कोई वर्क डन नहीं है क्योंकि वहां डिस्प्लेसमेंट नहीं। ठीक है एक बार और समझा देता हूं मैं। जैसे जब लिफ्ट कर रहे हैं आप तो देर इज अ मोशन और मूव हो रहा है, और मूव होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि वहां पर डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन जब आप होल्ड कर रहे हैं, आपने उठाया एंड यू आर होल्डिंग इट अप, तो वो जो बॉडी है जो वेट, जो भी वेट वो वेट लिफ्टर उठा रहा है, उठा के वो रुका हुआ है, वो जो वेट है वो रुकी हुई है। इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है अब। तो अब जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वहां वर्क डन नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। हाँ साइंटिफिकली वर्क नहीं होता, वैसे तो वर्क होता है एब्सोल्युटली। कूली जो आपका सामान सर पे उठा के अगर सीधा खड़ा है तो उस केस में वर्क डन हो रहा है क्या? वर्क डन नहीं हो रहा। हाँ तो लेगा ही वो, करेक्ट। लेकिन अगर
खड़ा है ऐसे ही, और इट हैज केप्ट इट देयर। तो आप बोल रहे हैं कि वर्क डन नहीं हो रहा है, लेकिन वो साइंटिफिकली, मतलब जो हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं कि व्हाट इज वर्क डन, तो उससे नहीं है वहां पे, लेकिन ऐसे तो काम हो रहा है वहां पे। आप ये थोड़ी बोल सकते हैं कि वो काम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जैसे धर्मेंद्र ने कहा कि पैसे तो वो ले ही रहा है, फिर तो काम तो हो ही रहा होगा। ये तो यहाँ यहाँ इंडिया में ऐसा कभी आपने देखा है कि काम नहीं हुआ है और पैसे दिए जा रहे? कि आपको हल्का सा भी भनक हो गई कि काम नहीं हो रही, काम नहीं हो रहा और पैसे दिए जा रहे, जैसे ही भनक लगी कि काम नहीं हो रहा है, बस बाय बाय, टाटा बाय बाय। इसका आंसर रहा ऑप्शन सी। क्या ये क्लियर है आप सबको? यस, चलिए ठीक, चलिए इसको ट्राई करिए। इसमें कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन का एक पार्ट है, कल का लेक्चर अगर आपने देखा है, या आप फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला आपको ध्यान है, तो आप कर लेंगे इस बारे में। द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस इज 0.1, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। सिक्स न्यूटन का फोर्स है, 2 kg का मास है, ठीक है, ओके। इसके अलावा देर इज अ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस, दैट इज 0.1। तो एक ओपोजिंग फोर्स भी लग रहा है, तो ये फोर्स जो है फ्रिक्शन का, एफ एफ लिख देते हैं, इस एफ एफ इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय आर, और इस केस में पहले अगर वो रेस्ट पे था तो एम जी वेट विल बी इक्वल टू आर, और म्यू यहां पर है आपका कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज गिवन एज 0.1 मल्टीप्लाइड बाय योर मास इंटू ग्रेविटी, 2 × 10। तो 2 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, 6 न्यूटन का वहां मूव करने की कोशिश कर रहे हैं और 2 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड्स इज, अच्छा तो आपका जो इफेक्टिव फोर्स हुआ इस केस में ठीक है 4 न्यूटन है ना। अच्छा, आपको वर्क डन निकालना है बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड्स, ठीक है, 10 सेकेंड में। तो 10 सेकेंड में, अच्छा आपको वर्क डन के लिए क्या चाहिए होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये जो फोर्स है ये अप्लाइड फोर्स के लिए पूछ रहा है, तो अप्लाइड कितना था, 6 न्यूटन, यहां पर 6 आएगा। यहां आपको ध्यान रखना है कि यहां इफेक्टिव फोर्स नहीं आएगा, ये इफेक्टिव फोर्स तो मोशन करा रहा है, लेकिन हमें वर्क डन पूछा है अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो यहां 6 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि टाइम हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। क्या हमारे पास एक्सलरेशन है, एक्सलरेशन नहीं है, वो कहां से आ जाएगा, इफेक्टिव फोर्स 4 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास, न्यूटन सेकेंड लॉ, 4 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास 2 kg,
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसको यहां सब्स्टिट्यूट करिए। इनिशियली तो रेस्ट पे था, तो ब्लॉक का यू इज 0 × t + ½ × 2 × 10 सेकेंड्स के लिए, तो 10 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 0 प्लस, तो ये एस इक्वल टू 100 हो। ठीक है, तो यहां 100 आप, तो ये हो गया 600 जूल्स। ध्यान रखिए ये पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के थ्रू हम देख रहे हैं, वहां पर ही डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं और उसी के अगेंस्ट हम ये सॉल्व कर रहे हैं। अगर वर्क डन बाय द इफेक्टिव फोर्स बोलता है, या वर्क डन बाय यस हाँ वर्क डन एज अ होल पूछता, तो आपका यहां पर 4 × 100 आता, क्योंकि इफेक्टिव 4 न्यूटन का बन रहा है, 6 न्यूटन अप्लाइड, 2 न्यूटन का फ्रिक्शन। ठीक है, लेकिन क्योंकि अप्लाइड फोर्स का वर्क डन पूछा है, तो फोर्स अप्लाइड जो हो रहा है वो 600 जूल ही लगा रहा है वर्क डन में। हाँ, उसमें फिर कुछ पार्ट आपका फ्रिक्शन फोर्स में वो कंज्यूम हो जा रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो पूरा का पूरा मोशन में नहीं जा रहा, कुछ ना कुछ वो फ्रिक्शन फोर्स भी खा जा रहा है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में कहीं आपको कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। अच्छा क्लियर, ठीक, आंसर इसका रहा 600 जूल्स। अच्छा क्लियर, ओके। तो ऐसे आ सकता है, आपको क्या चाहिए उसे निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो आपको याद होना चाहिए। जैसे यहां पर आपको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट आपको डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है आपको, लेकिन टाइम दिया हुआ है, तो टाइम को यूज करते हुए आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकाल सकते हो, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस, तो इस केस में फिर क्या हो गया, देखिए यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किया तो 0 + ½ × 2 × 10 स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। और एक्सलरेशन की जरूरत पड़ी इस फॉर्मूला में, तो आपने न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन यूज कर लिया, वहां से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चल, तो क्वेश्चन में ये ध्यान रखना आप कि अप्लाइड फोर्स पूछा या कौन सा टाइप का फोर्स पूछा, किसके लिए पूछा। ठीक है, अदरवाइज इफेक्टिव 4 है तो 4 × 100 कर दिया यहां, लेकिन बचने का एक तरीका क्या है कि ऑप्शन में 400 नहीं। ठीक, ओके, चल अगला सवाल। वर्क डन बाय बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स इन व्हाट। तो एक कोलिजन में हमने एक बार देखा था इसको, कोलिजन में इसके बारे में कुछ ना कुछ बात करी थी हम। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता, तो आंसर इसका रहेगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलिए इसके बाद चलिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पावर, एनर्जी और वर्क, ये तो स्केलर है, ऑप्शन बी इनकरेक्ट नहीं हुआ। पोटेंशियल एनर्जी में भी 0 करेक्ट, 0 हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे ये आप उसका एग्जांपल कहाँ देख सकते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में आपने -½ kx² देखा था। ठीक है, बैलिस्टिक पेंडुलम इज डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ बुलेट्स, हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो फिर स्टेटमेंट ए देखिए, इट मे बी 0 पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया था कि सिंस स्पीड का स्क्वायर हो रहा है या वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है, तो ये क्वांटिटी हैज टू बी आइदर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, इट कैनॉट बी नेगेटिव।
ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। करेक्ट, राज, धनेन्द्र, स्टेलियन, अविनाश, अंजलि। करेक्ट, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, ये डिराइव किया था हमने, कुछ देर रुके भी थे इस पर, ट्राई करिए इसको। यस, ऑप्शन डी, करेक्ट करेक्ट। चलिए, इसके साथ 10 सवाल और हैं, एक ग्राफ वाला भी है, इन्हें आप खुद ट्राई करेंगे, और कहीं डाउट आए तो फिर डिस्कशन बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ वर्क एनर्जी पावर, इसको हम विराम देते हैं। कल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स प्रोबेबली और रोटेशनल मोशन, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उसे डिस्कस करेंगे हम लोग। अच्छा, तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। जय हिंद। स्टैलियन कल के लेक्चर में देख लीजिए, कल आई एम नॉट 100% श्योर वेदर यू अटेंडेड इट लाइव, लेकिन यूट्यूब पे जो रिकॉर्डेड है उसे देख लीजिए, यू विल गेट देयर। ठीक, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।